लेके कुछ कहना चाहेंगे? सोशल डिस्टेंसिंग बना, बिल्कुल बिना इसके, ये दूसरी वेव आ रही है और ये बहुत खतरनाक वेव है अभी। जैसे दिल्ली में इतना बुरा हर्षर है, महाराष्ट्र में है, केरला में है, ये फोर स्टेट्स बहुत ज्यादा इससे अफेक्टेड है, और अगर ये उत्तर प्रदेश के रूरल एरियाज में आ गया तो ये कंट्रोल से बाहर होगा। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि मास्क पहनिए, अपना सोशल डिस्टेंस बनाए रखिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, और गर्म पानी पीजिए, और अपना जो जो हमारे बड़े प्रोफेसर मेडिकल प्रोफेसर कहते हैं उनका, डॉक्टर्स का, उनका पालन करिए। जी, खास मुलाकात के इस एपिसोड में आज हम मिलाते हैं ऐसे निर्बोध प्रधान से, देखिए क्या कहा। अपने आसपास की खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए फेस वार्ता यूट्यूब चैनल। लेटेस्ट खबरों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। नमस्कार, मैं राजन राही, फेस वार्ता कैंप में हमारे विचार आपके। आज हमारे साथ है ग्राम प्रधान जी, आइए उन्हीं से पूछते हैं उनके इंट्रोडक्शन के बारे में। सर पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम है विकास चौधरी और मैं ग्राम प्रधान पति हूँ जी। मेरी वाइफ सिमरन चौधरी है जो ग्राम प्रधान है। अच्छा, निर्विरोध ग्राम प्रधान ऑफिस पर बारपुट। जी जी, तो आप संभालते हैं सारी बागडोर? बागडोर मैं भी संभालता हूँ, वाइफ भी संभालती है, वो भी इलाके में है। अच्छा अच्छा, आज थोड़ा बिजी डे। सर हमने ना आपके गाँव में प्रवेश किया, बड़ा अच्छा लगा, सड़कें भी सीसी इंटरलॉकिंग थी, स्कूल भी बड़े साफ सुथरे थे, बड़े अच्छे लगे। तो आप 5 साल में आपने अपनी जनता के लिए, जिसमें आपको प्रतिनिधि चुना है, आप कितना संतुष्ट हैं कि मैं अपनी जनता या मैं कितना संतुष्ट हूँ? जी एक्चुअली इस गांव का इस एक अलग ही रोल है यूपी की पॉलिटिक्स में, तो ये पहला गाँव है जिसने हम लोगों को निर्विरोध प्रधान चुना है जी। तो इस गाँव में कोई इलेक्शन नहीं हुए, कोई पोलिंग पार्टी नहीं आई, कोई कुछ भी नहीं हुआ जी। हमारे गांव में प्रधान को और सारे मेंबरों को निर्विरोध चुना गया जी। और इसके कारण, क्योंकि मैं लंदन से एमबीए करके आया हूं जी, और 17 साल मैंने आईटी सेक्टर में नौकरी करी है, तो मैं जनरल मैनेजर से रिटायर्ड हूं और अब विधायकी की और आगे की तैयारी कर रहा हूं। बहुत बढ़िया। और इसके कारण गाँव ने हम लोगों को सपोर्ट किया कि हम गाँव में क्या क्या कार्य करा सकते हैं। तो जो पैसा है हमारे पास इस बार आया, करीब 1.25 करोड़ रुपए हमारे पास आए, वो हम लोगों ने सबसे पहली प्राथमिकता उसकी हमने एजुकेशन पे लगाई। तो हम लोगों ने सारे स्कूल्स, हमारे पास 4 स्कूल्स हैं, हम लोगों ने उन स्कूल्स को बढ़िया किया, उनमें फर्नीचर लगाया, इलेक्ट्रिसिटी दी, पानी दिया, टॉयलेट्स दिए। फिर गांव में जितने भी हमारे पास टॉयलेट्स आए, हम लोगों ने करीब 140-150 बाथरूम्स बनवाए, और पूरा जी सफाई अभियान को लेकर सर आप कुछ कह रहे थे? जो सफाई अभियान हमारी सरकारी कई योजना आई, हम लोगों के जो सैनिटाइजेशन अभियान, जब इस कोरोना महामारी में जो पैंडेमिक है उसमें हम लोगों ने खास ध्यान रखा कि हमारा गांव हफ्ते में एक बार सैनिटाइज हो। तो मैंने खुद अपनी एक मशीन ली है सैनिटाइज की, और वो भी प्रधान नीति से नहीं ली, खुद अपनी पर्सनल ली है, और मैं गांव में हर रेगुलरली हर हफ्ते, और आसपास के 22 गांव में भी जो मेरे जिला पंचायत के गांव हैं उनमें भी रेगुलर सैनिटाइज कराता रहता हूं। और हमारे गांव में गंदगी का कोई नहीं है, दो लोग सरकारी जो 2 लोग लगे हुए हैं वो रेगुलर कूड़ा उठाते हैं और अपना सफाई अभियान चालू करते हैं। आप 2 गाँव के प्रधान जी? जी। अच्छा सर, अभी हमने जब आपके गाँव में प्रवेश किया, हम सर्वे कर रहे थे, तो कुछ शख्स ऐसे मिले जो सोशल डिस्टेंसिंग अभी फॉलो नहीं कर रहे थे और मास्क का भी उपयोग नहीं किया, इसमें आपसे थोड़ा सा ये गांव है, ये आपके दिल्ली और एनसीआर स्टेट्स नहीं है, आई एग्री ऑन दैट, बट ये इश्यू क्या है इसमें, गांव वाले अभी एक स्वच्छ वातावरण में रह रहे हैं, जो 1 साल हो गया उनको, उनकी रोजी रोटी है वो खेतों में है, खेतों में अपना काम करते हैं, तो उनका मास्क पहनना या घूमना, गांव में हमारे गांव में एक भी कोरोना का केस नहीं आया आज तक जी। और पड़ोसी गांव में गांव तो सर है इंडिया में अभी, राइट इंडिया में है, तो हमने जो प्रिकॉशंस लिए हैं इतने लिए, हमने करीब 3 महीने गांव को पूरा लॉकडाउन रखा जी। तो गांव में हमने किसी की एंट्री नहीं होने दी, किसी की एग्जिट नहीं होने दिया, सारे रिकॉर्ड्स रखे, कौन बाहर से आ रहा है, कौन बाहर से नहीं आ रहा। जो नई वेव आई है इसकी भी हम लोग स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन अभी वो प्रोसेस में, हर रास्ते पर बैरिकेड। सर तो थोड़ा सा मैं ये मानते हैं कि अभी यहाँ मतलब कोरोना खत्म हो चुका है या सोशल डिस्टेंसिंग, ऐसा नहीं कह सकते, जरूरत नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, मास्क इज अ मस्ट, तो बिना मास्क के आप नहीं कर सकते, लेकिन घर पे आप 24 घंटे मास्क नहीं लगा सकते। नहीं, तो जो लोग मैंने देखे सर, करेक्ट, आई अग्री, जो लोग नहीं लगा रहे उनको हम उसके लिए आपने कुछ जागरूक अभियान चलाया? हाँ जी, हम लोग रेगुलर अनाउंसमेंट्स करते रहते हैं कि मास्क पहन के घूमिए, जो लोग बाहर जा रहे हैं हमारी एडमिनिस्ट्रेशन उसको, जो हापुड़ एडमिनिस्ट्रेशन है उसको रेगुलर अपडेट कर रही है कि मास्क पहनिए, लेकिन हमारा फर्ज है कहना। अब हम पे अगर सरकार हमें परमिशन दे दे 500 रुपए का चालान काटने के लिए तो हम उसे रोक सकते हैं, लेकिन गाँव में चालान नहीं काट सकते। कुछ सिटी में मुंह दिखाई 2000 रुपए की हो चुकी है, लेकिन हम प्रधान होने के नाते नहीं काट सकते, वो पुलिस का काम है कि वो अपना चालान काटे और आगे की प्रक्रिया। अच्छा सर, इस बार क्या
आप दोबारा चुनाव लड़ेंगे? नहीं, मैं प्रधानी का चुनाव नहीं लड़ूंगा। अगर गांव निर्विरोध बनाएगा तो ऑफ कोर्स मैं निर्विरोध बनना चाहूंगा, लेकिन मेरे थोड़े प्लान्स आगे के हैं। तो आगे जिला पंचायत की तैयारी कर, जिला पंचायत के लिए अगर आप चुनाव लड़ते तो क्या रूपरेखा बनाएंगे अपने, क्या योजना है इस बार आपके लिए? सर, यहाँ पे करीब 29 गाँव है जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में आते हैं, और ये सबसे खतरनाक चुनाव होता है क्योंकि आपको डोर टू डोर जाना पड़ता है। तो अभी मैं मार्च में रिजाइन करके आया हूँ अपनी जनरल मैनेजर की पोस्ट से, और एक साल हो गया हम लोगों को। हम लोग जनसंपर्क में लगे हुए हैं, कोरोना की वजह से थोड़ा कम हुआ है जनसंपर्क, लेकिन हम लोग रेगुलर डोर टू डोर एक बंदे से दो बंदे से हम लोग कर रहे हैं। अब जैसे ही लॉकडाउन खुलता है और कोरोना का आक्रमण थोड़ा कम होता है, हम लोग अपना जोर जोर से तैयारी करेंगे। जी सर, आप हमारे चैनल के माध्यम फेस वार्ता कैमरे हमारे विचार, आपको क्या कुछ मैसेज देना चाहेगा? नहीं, आई वुड अप्रिशिएट, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। महामारी को लेकर कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, बिना इसके ये दूसरी वेव आ रही है और ये बहुत खतरनाक वेव है। अभी जैसे दिल्ली में इतना बुरा हर्षर है, महाराष्ट्र में है, केरला में है, ये फोर स्टेट्स बहुत ज्यादा इससे अफेक्टेड है, और अगर ये उत्तर प्रदेश के रूरल एरियाज में आ गया तो ये कंट्रोल से बाहर होगा। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि मास्क पहनिए, अपना सोशल डिस्टेंस बनाए रखिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, और गर्म पानी पीजिए, और अपना जो जो हमारे बड़े प्रोफेसर मेडिकल प्रोफेसर कहते हैं, उनका डॉक्टर्स का उनका पालन करिए। जी देखा आपने, तो प्रधान जी का भी यही कहना है कि अभी आप सोशल डिस्टेंस बनाए रखें, दो गज की दूरी बहुत है जरूरी, और अपने स्वास्थ्य का अगर आपको ख्याल रखना है तो आसपास और आने वाले जितने भी लोगों से आप मिलते हैं तो थोड़ा सा देख रेख कीजिए, क्योंकि इसमें आपका अपना ही स्वास्थ्य रहेगा। स्वास्थ्य जान है तो जान है, और दूसरी बात फिर ये कहना चाहूंगा कि दो गज की दूरी बहुत है जरूरी, और अपने आने वाले समय में सही प्रतिनिधि को चुने और अपने वोट का सही उपयोग करें, क्योंकि हमारी जो देश की बागडोर है, ऐसे हमारे देश का दुर्भाग्य है अभी बहुत सारे ऐसे करप्ट ऐसे भ्रष्टाचार नेता है जो आज भी कानून बना रहे हैं, लेकिन चलता है, लेकिन परिवर्तन होगा तो अच्छी बात है। तो अपने वोट का सही उपयोग करें। मिलता है अगले ग्राम प्रधान जी से, मैं राजा नाही कैमरा लाल मुन्ना लाल जी के साथ, इसी के साथ आपसे लेता हूँ विदाई, मिलते हैं अगले ग्राम प्रधान जी से। धन्यवाद।